हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बाजू कटिंग करना बताएंगे कि किस तरीके से बाजू कटिंग होती है। नॉर्मल बाजू तो अक्सर लोग सब काट लेते हैं, लेकिन जॉइंट वाली बाजू काटने में बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से जोड़ आता है बैक में, तो इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए, ये जैसे हमने ये कपड़ा ले लिया बाजू का, और ये एक्स्ट्रा हमारा जो है उसको हम काट लेंगे। और हमें ये बाजू हमारे को 16 इंच चाहिए, तो 16 इंच बाजू पे हम पहले निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने लगा दिया निशान, और यहाँ से हमें 16 की जगह 16.5 लेना है, तो 16.5 पे हमने निशान लगा दिया, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, उधर हमारा तुरपाई वाला मार्जिन रह जाएगा। तो यहाँ 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो ज़्यादातर बाजू इसी तरीके से कटिंग होती है, और यहाँ पे हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हमें 10 इंच पे निशान लगाना है, और इसको मिला देना है आपस में, और ये हमारा मार्जिन रहेगा। तो मार्जिन जो है हमारा थोड़ा सा कम है, तो हाँ यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर दी, और यहाँ सेंटर में लेके, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें जोड़ लगेगा, तो जोड़ देखिए, ये तो चल नहीं पाएगा, ये तो कम है, तो हम दूसरा इसमें कपड़ा जोड़ेंगे, डबल करके फोल्ड करके रखेंगे, और इस तरीके से हमें ये जोड़ना है। तो देखिए, मार्जिन जो है ना हमें चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर लूज़ करना हुआ तो फिर हम मार्जिन की वजह से लूज़ कर लेंगे। अगर हम ऐसे ही जोड़ देंगे तो फिर मार्जिन की दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो ये देखिए, हमारी पहली बाजू कटिंग हो गई है। तो इसमें जोड़ नहीं आया, इसमें सिर्फ जो है ना बिल्कुल लास्ट में जोड़ आया, तो वो जोड़ दिखेगा भी नहीं। ये नॉर्मल बाजू हो गई। अब जो दूसरी बाजू कटिंग करेंगे वो जोड़ वाली बाजू कटिंग करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे आप देखिए, पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। बहुत ही आसान तरीका है जोड़ लगाना बाजू में, और बाजू के जोड़ हमेशा बैक में आने चाहिए। सेंटर में भी आ जाते हैं तो उसमें बीच में पाइपिंग देनी पड़ती है। ज़्यादातर बैक में लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी बाजू। अब देखिए, हमने कपड़ा कटिंग कर दिया है, अब ये बिल्कुल सेट हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 7.5 इंच पर हमारा कहाँ पर आ रहा है। देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है 7.5 इंच। तो इसको कपड़े को हमने फोल्ड कर दिया, वो इस वजह से कर दिया कि ये बैक में जाएगा हमारा, तो सेंटर थोड़ा सा ना हटके होगा इसका। ये देखिए, हमने यहाँ से सीधा करा। अब बाजू को नॉर्मली वैसी कटिंग करनी है जैसे आप करते हैं, बस आपको इतना कपड़ा मोड़ देना है बस खाली इसको, जैसे हमने फोल्ड करके बिठा लिया है। यहाँ पर 7.5 पे निशान लगाया, और ये देखिए यहाँ पर हमने 10 इंच लगा दिया, और इसको हमने इस तरीके से बराबर कर दिया, और यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, ये इस तरीके से शेप देके कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर ली हमने। देखिए, कपड़ा कम होता है तो कपड़े कम में इसी तरीके की कटिंग, इसी तरीके से कटिंग करी जाती है। अब देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें जोड़ लगाएंगे। जोड़ किस तरीके से लगता है देखिए, ये तरीका है जोड़ लगाने का। ये हम इसका सेंटर बना लेंगे पहले, और सब जगह कुट के लगा लेंगे। अब ये हमने लगा लिया, ये देखिए, ये हमारा इसका साइड का जोड़ आ गया मार्जिन के साथ में। ये इस तरीके से हमारा लग जाएगा। अब हमें बैक का जोड़ चाहिए। फ्रंट वाला जोड़ तो वैसे भी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ही जोड़ है वो उसमें। अब ये बैक के लिए हमें चाहिए, तो बैक के लिए हम इस तरीके से कपड़ा बिछा लेंगे, और इस तरीके से हमें ये रखना है। ये देखिए, कपड़ा फोल्ड करा हमने, और इस तरीके से हमें बिछा देना है। तो ये जो हमें बिछाना है, तो जैसे ये हमारा ये कपड़ा मुड़ा हुआ है, उसके पास से हमें जो है निशान बिल्कुल जॉइंट के पास से लेना है। ये देखिए, इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा इसको खींच के, क्योंकि जितना हमारा मार्जिन है, एक एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हमें ये पूरा बिछा के कटिंग करनी है। अब देखिए, हम इसमें मार्जिन भी रख देंगे। ये पूरी बाजू हो गई हमारी जॉइंट वाली, और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, अब ये देखिए हमारी बाजू ये कटिंग हो चुकी है, जॉइंट भी इसके साथ में होगा। अब इसका जॉइंट जो जाएगा बैक में जाएगा, ये इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। ये सेंटर हो गया हमारा, ये देखिए, इससे मिलाएंगे।
और इस तरीके से हमारा ये जॉइंट वाली हो गई बाजू, बैक में जाएगा ये जोड़। तो अब देखिए ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको सेंटर में जो हमें बॉर्डर चाहिए होता है, जैसे बॉर्डर आ जाता है कई बार उसके अंदर बाजू में, और बहुत से लोग नीचे कफ की जगह, जैसे नीचे की मोरी होती है बाजू की, वहाँ की जगह अगर सेंटर में बॉर्डर चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से कटिंग होती है। देखिए ये कपड़ा हमने इस तरीके से बिठा दिया और बिल्कुल सेंटर में हमने बॉर्डर ले लिया, दोनों तरफ पीला आ गया और इधर हरा आ गया। तो देखिए वैसे उसी तरीके से निशान लगेंगे, निशान सारे उसी तरीके से लगते हैं जैसे कि आप बाजू कटिंग करते हैं, बस जॉइंट वाली के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखना पड़ता है कपड़ा, जिस तरीके से इसमें दिखा रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल कटिंग हो रही है बाजू की और यहाँ हमने मार्जिन ले लिया, उसके बाद हमें यहाँ से शेप दे देनी है बाजू की कटिंग की। ये देखिए हमारी बाजू कट गई, अब इसमें जोड़ लगाया जाएगा। अब देखिए हमने ये कपड़ा बिठा दिया है, अब ये किस तरीके से हमारे को बिठाना है ये देख लीजिए, पूरा तरीका देख लीजिए। ये हम कुटके लगा लेंगे इस पर जिससे कि जो है मोड़ने में आसानी हो जाए। ये अच्छे से साफ़ करके हमें ये बाजू इस तरीके से रखनी है। ये देखिए ये हमने एक पैर का मार्जिन इधर रखा, एक पैर का इधर रखा और दोनों को मिला लिया इस तरीके से, एक पैर का मार्जिन इधर, एक पैर का मार्जिन इधर। तो दोनों को इस तरीके से रख के और फिर आपको उसी निशानों पे जैसे जैसे बाजू कटी हुई है उसी बाजू पे कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये कटिंग हो चुकी है, अब ये जॉइंट इस तरीके से आ जाएगा और खोलने के बाद ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए तो ये जॉइंट वाली बाजू हो गई, सेंटर में बॉर्डर आ गया। तो इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये बैक में जाता है हिस्सा और ये फ्रंट में जाता है, क्योंकि फ्रंट में जॉइंट नहीं दिया जाता इसलिए बैक में जॉइंट दिया जाता है, बैक में जोड़ वाला हिस्सा जाता है। अब देखिए गहराई कर दी हमने फ्रंट में, अब इसके साथ ये हम बैक जोड़ देंगे। ये हमारी बाजू सेंटर के हिसाब से तैयार हो गई और जॉइंट भी इतना पता नहीं लगेगा इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से हमारा आ जाएगा तो कोई जॉइंट पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।